टीचर होता तो है ना पढ़ाते, अच्छा और सिंगल टीचर में वैसे पढ़ाना तो पड़ता है दिन भर। जो यहाँ जो कि गरियाबंद जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक कोयबा कोयबा में हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग जाके यहाँ की स्थिति हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस स्कूल में सबसे पहले तो बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री नहीं है, और क्या क्या समस्याएं हम लोग शिक्षक से बात करेंगे। यहाँ का स्कूल का देखिए क्या स्थिति है, जर्जर है, मतलब रिपेयरिंग नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, ऐसा पड़ती थी। नाम क्या सर? रवैया सिंह लहरे और यहाँ कितने शिक्षक हैं सर? जी, अकेला हूँ मैं। अकेला? और यहाँ जनसंख्या कितना है जो विद्यार्थी के? 60 बच्चे हैं, साठ बच्चे ना। 60 बच्चे तीनों क्लास में। लेकिन यहाँ अनुपात के हिसाब से यहाँ 3 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 60 विद्यार्थी हैं और एक ही शिक्षक हैं। तो आप किस प्रकार पढ़ाते हैं सर? अब एक एक पीरियड है ना शुरुआत में, उसके बाद फिर पढ़ाना होता है। मैंने लेकिन साल भर में कम से कम पूरा एक 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 क्लास का मतलब 6-6 सब्जेक्ट होता है, और यहाँ एक ही यहाँ का 6 सब्जेक्ट है, तो सभी तीनों क्लास का 6-6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। वैसे नहीं होगा। हाँ, अच्छा, कंप्लीट नहीं हो पाता क्यों? अब टीचर होता तो है ना पढ़ाते, अच्छा, और सिंगल टीचर में वैसे पढ़ाना तो पड़ता है दिन भर। जो यहाँ अधिकारी आते हैं तो अधिकारी को जानकारी है कि कैसे कि यहाँ एक शिक्षक कम बोलते हैं? हाँ, नहीं तो अभी अधिकारी के द्वारा जो कि यहाँ कोई शिक्षक नहीं भेज रहे हैं। जानकारी। और हम लोग बच्चों से बात करेंगे, जज्जर हुआ इसके बारे में। हाँ, पता है, जानकारी दिया गया है, अच्छा, किसको जानकारी दी? मतलब समन्वयक से होता है ना सब चीज़, नाम समन्वयक, आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, समन्वयक को बता दिया। ठीक है, हम लोग बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कुमारी ईशा ध्रुव। कुमारी ईशा ध्रुव। ईशा ध्रुव, जो एक ही शिक्षक हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई समस्या होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है, क्या समस्या होता है? एक ही टीचर है। एक ही टीचर है, हाँ, और जो यहाँ बैठते हो तो और कोई समस्या नहीं होता? होता है, वो पानी टपकते हैं। पानी टपकता रहता है, और पहाड़ा वगैरह पुस्तक पढ़ने आ जाता है? हाँ, अच्छा, पुस्तक पढ़ने, एक एक लाइन बताओ तो। एक में पहाड़ा आ जाता है, कितना पहाड़ा। हाँ, तक का था? 10। 10 तक का, कम से कम 20 तक का याद नहीं, याद करना। और ये क्या है? अच्छा, आवश्यक सामग्री। ये मतलब एक ही लाइन आवश्यक सामग्री: कांच का ट्रक, पानी, रेडियम, छनपत्रक, चिमटी। ठीक है, नहीं ठीक से और पढ़ाई करना। सबको पढ़ने आ जाता है ना? आपको पहाड़ा पढ़ने आ जाता है? पहाड़ा पढ़ने आ जाता है आपको? खड़े हो जाए, पहाड़ा पढ़ने आ जाता है, कितना तक का? पाँच लेकिन छः मिनिमम आपको 20 तक का याद करना, ठीक है? जी, और कितना तक का था अभी? 5-6। 5-6, 5 का सुना तो। 5 एकम 5, 10, 15, 5 6 20, 5 एकम 25, 5 6 30, 5 7 45, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 50। थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लेना है ना। देखिए इस पर ना पानी टिपक रहा है, ये स्कूल का स्कूल ऐसा स्थिति भी है देखो कि ऊपर में पानी टिपक रहा है, लेकिन इस पर ना शासन प्रशासन ना ध्यान दे रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे पानी टिपक रहे हैं। और साइड साइड में ना जो कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और इस पर वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। ये शासकीय स्कूल है जो कोयबा का। चलो, यहाँ का स्थिति ऐसा है जो कि पूरा जर्जर है, और यहाँ किस प्रकार जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से जर्जर है, और ना पानी टपक रहा है।